Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain exercise 17E chapter name differential equation of class 12 mathematics. So first we will discuss about the homogeneous function. Look here, all the equations are given as a homogeneous equation. So first of all we discuss that what is homogeneous, then we will back to the exercise. Look here, in your book it is given that a homogeneous function, a function in the form of x comma y in x and y is called homogeneous function of degree n if the degree of each term is n. For example, a function given such that x square plus y square minus xy and gxy, another function is given like this, x cube minus 4x square plus 5x square y, are homogeneous function of the degree 2 and of the degree 3. The function hxy x power 4 minus 2xy square 3x square y is not a homogeneous function since the first term is of degree 4 while the remaining term of the degree 3. 2 plus 1 3 and 2 plus 1 3. अब सबसे पहला काम कि होमोजीनियस फंक्शन होता क्या है. तो ऐसा फंक्शन जिसमें हर स्टेप की डिग्री मीन्स हो गया जितने भी वेरिएबल होंगे उनकी पावर को ऐड करने पर, अगर से हर स्टेप की डिग्री या हर पावर को ऐड कर हर स्टेप के पावर को ऐड करने पर इक्वल वैल्यू मिले तब तो वो फंक्शन, वो इक्वेशन आपका होमोजीनियस फंक्शन या होमोजीनियस इक्वेशन कहलाएगा, अदरवाइज नहीं. जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो ये आपका होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर और इसमें एक्स की पावर 1 वाई पावर 1. सो एक्स पावर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 पावर इस स्टेप की भी होगी. तो इसकी पावर 2 और इसकी पावर 2, अगर हर स्टेप की पावर सेम होगी तो वो फंक्शन आपका क्या कहलाएगा, होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा. और सेम एज हियर, एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर वाई. अब इसमें देखिए, फर्स्ट स्टेप की पावर 3 है, यहाँ पर पावर 2 प्लस 1, इस स्टेप की पावर 3 हो गई. एक्स स्क्वायर प्लस वाई पावर 1 मीन्स 2 प्लस 1, इसकी पावर 3 हो गई. तो यहाँ पर भी हर स्टेप की पावर 3 है तो ये आपका होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा. बट यहाँ पर जो फंक्शन दिया गया है इसमें फर्स्ट स्टेप की पावर 4 जबकि सेकेंड एंड थर्ड स्टेप की पावर 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3 हो गई. तो अगर से हर स्टेप की पावर सेम है तब तो आपका फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा. इक्वल पावर है चाहे जितनी है, या तो हर स्टेप की पावर 2 हो, हर स्टेप की पावर 3 या हर स्टेप की पावर कुछ भी हो, बट सेम हो तो वो फंक्शन आपका होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा. बट अगर सारे स्टेप में से भी किसी एक फंक्शन की भी पावर आपकी डिफरेंट हो गई बाकी से तो फंक्शन आपको होमोजीनियस फंक्शन नहीं कहलाएगा. अब अगर होमोजीनियस फंक्शन है तो उसको सॉल्व करने का कुछ अलग मेथड है, वो भी समझते हैं. लेकिन उससे पहले एक चीज़ और आपकी बुक में दी गई, ये भी देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं. देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने, फंक्शन वाई अपॉन एक्स इज ऑलवेज ए होमोजीनियस फंक्शन. यहाँ पर वाई पावर 1 अपॉन एक्स पावर 1, अगर दोनों की पावर को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होमोजीनियस फंक्शन बन जाएगा. बाकी जैसे ये फंक्शन आपका, तो ये आपका होमोजीनियस फंक्शन है. तो होमोजीनियस फंक्शन को सॉल्व करने का कुछ मेथड होता है, वो ज़रा सा समझ लेते हैं. ये देखिएगा, सपोज कोई फंक्शन आपका दिया गया है और वो होमोजीनियस फंक्शन है, तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि उसको y को सपोज कर लेना, y इज इक्वल टू वी एक्स, और जब इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy वाई अपॉन डी एक्स वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स मिल जाएगा. मीन्स y की वैल्यू हमको वी एक्स पुट कर देनी है एंड dy वाई अपॉन डी एक्स की जगह पे वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स की वैल्यू पुट कर देना. अब ये कैसे आएगा, जरा सा अगर हम इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दें डिफ्रेंशिएशन का तो ये रिजल्ट हमको मिल जाएगा. सपोज ये आपने किया वाई इज इक्वल टू वी एक्स, तो जब हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ऐसे होगा ना, डी वाई डी एक्स, फर्स्ट टर्म को आपने रोका, सेकेंड को डिफ्रेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर सेकेंड टर्म को रोका, फर्स्ट टर्म को डिफ्रेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका सेकेंड फंक्शन होगा. तो इसका वैल्यू क्या हो गई, 1, मीन्स डी वाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई आपको वी प्लस एक्स डी डी एक्स ऑफ वी. तो इस दो वैल्यू को आपको सब्स्टिट्यूट करना है होमोजीनियस फंक्शन में. अगर से कोई आपका होमोजीनियस फंक्शन होगा तो हमेशा यही वैल्यू रख के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, तो इजली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. अब आइए देखते हैं कि हम लोगों को क्या काम और करना है होमोजीनियस फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए. इसको भी समझते हुए चलते हैं, ये भी आपकी बुक में दिया गया वर्किंग रूल क्या है. तो सबसे पहला काम तो आपको ये जज करना है कि होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं. देखिए ऐसे एक्सरसाइज को सॉल्व करना इजी होता है क्योंकि एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन का मेथड आपका चेंज होता जाता है. बट जब कोई क्वेश्चन पेपर में आ रहा होता है तो वहाँ पे सारी एक्सरसाइज से किसी भी रैंडमली कोई एक क्वेश्चन सेलेक्ट हो जाएगा तो ज़रा सा आपकी प्रैक्टिस रहेगी तभी आप उसको फौरन जज कर पाइएगा, अदरवाइज टाइम लगेगा.
टाइम लगेगा तो पेपर छूटने की पॉसिबिलिटी होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से होमोजीनियस फंक्शन है और उनको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है होमोजीनियस फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए, वाई की जगह पे वी एक्स पुट कर देना है और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स रख देना है। उसके बाद सेपरेट कर लेना है एक्स एंड वी वाले फंक्शन को, फिर आपको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करते वक्त एक कांस्टेंट सी आएगा और बाद में वी की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि वी तो आपने सपोज किया था क्वेश्चन में, तो वी था नहीं। जो भी आंसर आएगा वो वाई एंड एक्स के फॉर्म में हो जाएगा। तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से वी की वैल्यू निकालेंगे तो वाई अपॉन एक्स हो जाएगी। तो ये इतना सीधा सीधा हम लोगों को काम करना है, क्लियर। एक चीज़ और समझते चलिए, यहाँ पर ये वाई डैश लगा हुआ है तो वाई डैश का सेंस होता है डी वाई डी एक्स, यहाँ पर भी वाई डैश है। तो इस तरीके का क्वेश्चन है तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर डेरीवेटिव ऑपरेटर है नहीं, तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हुआ। वाई डैश एफ डैश इस तरीके का अगर कुछ लिखा है तो ये समझिएगा वो डी वाई डी एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 17E। ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट 2xy ddx ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए अभी इससे पहले की जो एक्सरसाइज थी सीधा सीधा हम लोगों ने क्या किया था, x एंड y के फंक्शन को सेपरेट कर लिया था। बट यहाँ पर सेपरेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, किसी एक टर्म से हम खाली डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जब भी होगा वो एक्स वाई आपस में आता जाएगा। तो सबसे पहला काम तो ये चेक करिए कि अगर आप सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं तो क्या ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं। तो देखिए x पावर 1 y पावर 1, x पावर 2 y पावर 2 मीन्स इस स्टेप की पावर डिग्री 2 हो गई, इस स्टेप की डिग्री 2 हो गई और यहाँ पर दोनों की पावर को ऐड कर देंगे तो डिग्री 2 हो जाएगी। यानी कि अगर हर स्टेप की डिग्री सेम है तो ये फंक्शन आपका होमोजीनियस फंक्शन है। अब होमोजीनियस फंक्शन को सॉल्व कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू वी एक्स सपोज करेंगे एंड डी वाई डी एक्स की वैल्यू वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स रख देंगे। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ओके ये देखिएगा, ये तो सम बेसिक रूल है आपके होमोजीनियस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला काम y इज इक्वल टू वी एक्स रखा जाएगा और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स मिल जाएगी। अब इतना काम करने के बाद हमको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है कि वो आपको होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं। अगर होमोजीनियस फंक्शन होगा तो इन सारी वैल्यूज को पुट करना होगा। तो ये तो समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन को देख के कि वो होमोजीनियस फंक्शन है। अब हमने क्या किया, जहाँ पर y था वहाँ पे वी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे y इज इक्वल टू वी एक्स, और जो डी वाई डी एक्स की वैल्यू थी वहाँ पर वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स रख दिया जाएगा। अब अगर इसको रखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर y है तो वी एक्स आ जाएगा, डी वाई डी एक्स की वैल्यू वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स मिल जाएगी, प्लस एक्स स्क्वायर आपका वैसे ही है एंड वी एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब देखिए हर स्टेप से आपका एक्स स्क्वायर कॉमन होकर कैंसिल हो जा रहा है, तो लाइए कैंसिल कर देते हैं। एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गए, इस दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे वन प्लस वी स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल विद एक्स स्क्वायर। अब वैल्यू क्या बची है आपकी, टू वी स्क्वायर प्लस वी एक्स डी वी डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वी स्क्वायर। अब ये टू वी स्क्वायर वन प्लस वी स्क्वायर के साथ सिंप्लीफाई करेंगे, इधर आएगा माइनस टू वी स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करने पर ये रिजल्ट मिल गया। अब जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करते थे, फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग सॉल्व करते थे कि हमको क्या करना होता था, x एंड y वाले फंक्शन को सेपरेट करना होता था। तो यहाँ पर y तो है नहीं, यहाँ पे x एंड v का फंक्शन है, उसको सेपरेट कर लेते हैं उसके बाद इंटीग्रेट कर लेंगे। तो अब ये फंक्शन आपका सिंप्लीफाई हो गया। अगर हम यहाँ से x से डिवाइड कर दें या v से डिवाइड कर दें तो हमारा काम बाकी सब कंप्लीट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, वन माइनस वी स्क्वायर को नीचे भेज दिया एंड x को यहाँ पे भेज दिया। अब इसको अगर हम t सपोज कर लें, इंटीग्रेशन अगर आपको आता होगा तब इसके आगे का काम हो जाएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पहले इंटीग्रेशन को परफेक्ट करिएगा तभी डिफरेंशियल इक्वेशन पे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आइए अब इसको इंटीग्रेट करके देखते हैं कितना रिजल्ट आएगा। अब इसमें क्या होगा, वन माइनस वी स्क्वायर को हम टी सपोज कर लेंगे ऐसे, वन माइनस वी स्क्वायर को अगर टी सपोज कर लिया जाए तो हमको मिल जाएगा माइनस टू वी डी वी इज इक्वल टू डी टी, ऐसे ही होगा ना। मीन्स टू वी डी वी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस डी टी। तो यहाँ पर आपको 2v dv मिल रहा है, उसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, माइनस dt। सो ये हो गया वन अपॉन टी डी टी प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स और एक कांस्टेंट आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसका इंटीग्रेशन log ऑफ t होगा, इसका इंटीग्रेशन log ऑफ x होगा, तो जो कांस्टेंट है वो भी हम log ऑफ c लिख ले रहे हैं ताकि log log सब आपस में कंपेयर हो जाए और ख़त्म हो जाए। ये हो गया log ऑफ t इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी। ये इतना काम हमारा हो गया। थोड़ा सा वैल्यू पुट कर दें, लॉग ऑफ टी इज इक्वल टू वन माइनस वी स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ
सी। अच्छा अब इसमें वाई भी आ रहा है तो वाई की वैल्यू हमको पुट करनी होगी, ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ सी माइनस सॉरी लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ सी। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम हो जाएगा, बाकी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आइए इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, लॉग सी को हम इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। सी के प्लस माइनस का कोई इशू नहीं होता, वो कांस्टेंट है, हर हालत में प्लस ही रहेगा। लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ सी लॉग ए प्लस लॉग बी का रूल लग जाएगा, एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब इस पावर को अगर हम और सॉल्व कर लें तो हमारा रिजल्ट बन जाएगा, ये पावर इससे कैंसिल हो गई, लॉग से लॉग को कंपेयर किया जा सकता है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, मीन सी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इस सी के प्रॉब्लम नहीं है आपको, सी चाहे लेफ्ट में रखा जाए चाहे राइट में रखा जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसी तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स वाई प्लस फाइव वाई स्क्वायर। देखिए फिर से ये होमोजीनियस इक्वेशन है, पावर टू पावर टू पावर वन प्लस वन एंड पावर टू, मीन्स हर स्टेप की डिग्री आपकी कितनी है, टू है, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है। और होमोजीनियस इक्वेशन में क्या करेंगे, वाई इज इक्वल टू वी एक्स रखा जाएगा एंड डी वाई डी एक्स की जगह पर वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स रख दिया जाएगा। आइए इसके सोल्यूशन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री। ये क्वेश्चन मैंने पहले से सॉल्व कर लिए थे ताकि कुछ वीडियो बहुत लेंदी ना हो जाए। सो एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स वाई प्लस फाइव फोर वाई स्क्वायर। होमोजीनियस इक्वेशन है तो वाई इज इक्वल टू वी एक्स एंड डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स सब्सटीट्यूट करना है। यहाँ पे डी वाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे वाई की वैल्यू आ गई एंड वाई स्क्वायर की वैल्यू हो गई। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लेते आइए जितने भी पॉसिबल हो आपसे, तो एक्स स्क्वायर कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, वी प्लस एक्स टी वी डी एक्स वन प्लस फाइव वाई फोर वाई स्क्वायर। तो यहाँ से वी इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, फोर वी हो जाएगा, बाकी ये वन प्लस टू वी होल स्क्वायर का रूल हो गया। अब फिर से हमको क्या करना है, सेपरेट करना है एक्स एंड वी वाले टर्म को, एक तरफ डी वी के साथ सारे फंक्शन वी वाले आ जाएंगे और डी एक्स के पास सारे फंक्शन एक्स वाले आ जाएंगे। तो इसको रीअरेंज कर लिया, वन प्लस टू वाई होल टू वी होल स्क्वायर डी वी एंड डी एक्स, एक कॉन्स्टेंट लगा लेते हैं सी। ठीक, अब इसको वन प्लस टू वी को टी मान लेंगे तो डी वी की वैल्यू मिल जाएगी डी टी अपॉन टू, इसको वापस आपने वन अपॉन टी स्क्वायर कर लिया क्योंकि होल स्क्वायर था, इंटीग्रेट कर लिया माइनस वन अपॉन टी आ जाएगा। अब इंटीग्रेट करने के बाद ज़रा सा आप ध्यान दीजिएगा, हमने टी की वैल्यू पुट कर दी वन प्लस टू वी, यहाँ पे वन प्लस टू वी रख दिया, लेकिन क्वेश्चन क्या था, एक्स एंड वाई के फॉर्म में था तो वी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी वाई अपॉन एक्स, यहाँ पे वी की वैल्यू पुट कर दी वाई अपॉन एक्स, ये वी इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। उसके बाद जैसे भी आप इसको सिंप्लीफाई करने चाहिए कर लीजिए, वो तो क्लास ट्वेल्थ स्टैंडर्ड है तो ये सपोज किया जा सकता है कि आप सब क्वेश्चन बाकी सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। मेन कॉन्सेप्ट बस इतना है कि अगर होमोजीनियस इक्वेशन होगा तो किस तरीके से सॉल्व होगा, बस आपको इतना ही काम करना है, बाकी कैलकुलेशन तो इस लेवल पे आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर फोर्थ को भी देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस वाई। यहाँ पे फिर से देखिएगा, डिग्री टू वन प्लस वन, डिग्री टू एंड वन प्लस वन, जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो डिग्री टू, ये मीन्स हर स्टेप की डिग्री आपकी टू मिल जाएगी। तो ये होमोजीनियस फंक्शन हो गए, अगर होमोजीनियस फंक्शन है तो वाई इज इक्वल टू वी एक्स सब्स्टिट्यूट करना होगा एंड डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स रखना होगा। तो यहाँ पे डी वाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी गई और वी की वैल्यू पुट कर दी गई, फिर से जो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए कैंसिल करना होगा कैंसिल कर दीजिए, एक्स स्क्वायर कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, रेस्ट क्वेश्चन जो आपको बचता है उसको हमको रीअरेंज करना होगा, वी वी कैंसिल आउट एक्स डी वी डी एक्स वी स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करना तो बहुत ईजी है, एक कॉन्स्टेंट यहाँ पे यूज़ हो जाएगा सी, बाकी इसका इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉन वी लॉग ऑफ एक्स प्लस सी, वी की वैल्यू पुट कर दीजिए, वन अपॉन वी इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई होता है, ये सपोज किया था ना वाई इज इक्वल टू वी एक्स, तो वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वाई अपॉन एक्स एंड वन अपॉन वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स अपॉन वाई। तो ये वन अपॉन वी की वैल्यू पुट कर दी गई, ये हो गया
लॉग ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब इस कॉन्स्टेंट सी को चाहिएगा तो आप सिर्फ सी लिख दीजिए या लॉग एक्स के फॉर्म में लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्स्टेंट को आपने क्या सपोज किया है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही रखना ईजी होता है। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ हो गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर फाइव, वाई स्क्वायर प्लस एक्स डीवाई डी एक्स प्लस एक्स वाई डीवाई डी एक्स। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी डीवाई डी एक्स है, यहाँ पर भी डीवाई डी एक्स है। तो पहली बात तो होमोजीनियस इक्वेशन है क्योंकि डिग्री टू एंड डिग्री टू, एक्स वाई वन एंड वन मिलकर टू हो जाएगा। तो हमको अगर होमोजीनियस है तो वाई इक्वल टू वी एक्स एंड डीवाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स टी वी डी एक्स सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर इधर ट्रांसफर करके कॉमन ले लिया और डीवाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है आपको, तो ये तो एक्सपेक्टेशन आपसे है कि आप ये सब काम कर लीजिएगा। जब इस फॉर्म में आ गया, ब्रैकेट को ब्रेक किया, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, कैंसिल किया, वो सारी चीज़ें आप अपना देखते जाइएगा, क्योंकि इस कंडीशन तक पहुंचने का मतलब है कि ये सब चीज़ें आपको आती हैं। ओके, अब हमको इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करते वक्त v बाई वी इज इक्वल टू वन एंड वन अपॉन वी इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, वन का इंटीग्रेशन v एंड वन अपॉन वी का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ v। तो देखिए यहाँ पर भी लॉग है, यहाँ पर भी लॉग है, आप कॉन्स्टेंट को भी लॉग c सपोज कर लीजिएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और सिर्फ c रहने दीजिएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेन मकसद जो आपका था कि होमोजीनियस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना था, इंटीग्रेट करने के बाद बी की वैल्यू पुट करनी थी, बाकी एकदम लास्ट एग्जैक्ट आपको बुक के आंसर से मैच करने का कोई कंडीशन ऐसी नहीं है। आपने इंटीग्रेट कर लिया, वी की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, उतना काम हो गया आपका। तो ये यहाँ पे हमने वी की वैल्यू पुट कर दी वापस। अगर कुछ थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं, ट्रांसफर कर दिया, दो स्टेप एक जैसे हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी करूँ, लग गया लॉग ए डॉट बी, एक्स एंड एक्स कैंसिल आउट, तो ये आपका रिजल्ट बच जाएगा। तो ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है ये सब चीज़ें, तो ये कह सकते हैं कि शायद वन मार्क्स क्वेश्चन, टू मार्क्स क्वेश्चन से ऊपर के क्वेश्चन नहीं बनते हैं इसके। और जब एक आध क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ज़रा सा लेंदी होंगे तो वो आपके फोर मार्क्स के बन सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करिए, बहुत ईजी सा चैप्टर है, बट कंडीशन ये है कि आपको इंटीग्रेशन का बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर इंटीग्रेशन नहीं आ रहा तो डिफरेंशियल इक्वेशन आप नहीं सॉल्व कर पाइएगा। तो हम फिर से कहेंगे इंटीग्रेशन को जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर एट, डी वाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन एक्स। तो अभी देखिए, हम लोगों ने वीडियो के शुरू में इंस्ट्रक्शन देखा था, रिमार्क यहाँ पे लिखा हुआ था कि वाई अपॉन एक्स भी हमेशा होमोजीनियस फंक्शन ही होगा क्योंकि इसकी डिग्री हर स्टेप की सेम आ रही है। तो अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन है तो वाई इक्वल टू वी एक्स एंड डी वाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स रखा जाएगा। तो सब जगह हम यहाँ पे डी वाई डी एक्स की वैल्यू वी अपॉन एक्स इक्वल टू वी, देखिए वाई अपॉन एक्स इक्वल टू वी एंड वाई अपॉन एक्स इक्वल टू वी रख दिया। अब इसको हमको उसी फॉर्म में सेपरेट करना है जैसे कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन की सारी एक्सरसाइज में करते चले आ रहे हैं कि डी वी के साथ वी वाले फंक्शन, डी एक्स के साथ एक्स वाले फंक्शन होने चाहिए। अच्छा, अब हमने क्या किया, वन अपॉन टेन वाई वन अपॉन एक्स। अब इसका वन अपॉन टेन वाई मीन्स कॉट वाई, कॉट वाई का इंटीग्रेशन कर लेंगे, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कर लेंगे, और कॉन्स्टेंट की जगह पर सी भी लगा सकते थे, लॉग सी भी लगा सकते थे। लॉग इसलिए लगा दिया क्योंकि इसमें दो जगह लॉग आ रहा है, यहाँ पे भी लॉग लग जाएगा तो लॉग ए प्लस लॉग बी का रूल लग जाएगा, लॉग ए बी, उसके बाद हम लॉग को लॉग से कंपेयर करके हटा सकते हैं। मीन साइन ऑफ वी इज इक्वल टू लॉग सी एक्स, साइन वी इज इक्वल टू सी एक्स एंड वी की वैल्यू वापस कर दी, तो बस ये फाइनल आपका रिजल्ट मिल गया। अगर हम यहाँ पर सिर्फ सी लिखते तो ये काम हमारा इस तरीके से बनाना मुश्किल हो जाता, तब हम इसको ट्रांसफर करते वापस ई की पावर में आता, वो सब चीज़ें कोई फ़ायदा नहीं होता। ये हो गया क्वेश्चन नंबर एट, क्लियर। लाइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ। क्वेश्चन को सॉल्व करके रखने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि वीडियो बनाते वक्त टाइम बच जाता है, वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है तो उसमें प्रॉब्लम होती है अपलोड करने में। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स टी वी डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब एक चीज़ समझिएगा, ये प्री बोर्ड एग्जाम में भी बच्चों ने ये प्रॉब्लम की थी, तो ये सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए क्योंकि प्रैक्टिस में वही काम हमको करना है कि कहाँ कहाँ मिस्टेक हो रही है, वो गलतियों को दूर करना है। जैसे यहाँ पे डी एक्स डी वाई अलग अलग है ना, तो हमको जब भी वैल्यू पुट करनी है डी वाई डी एक्स के फॉर्म में होगी तभी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो आप कोशिश ये करिए कि डी वाई डी एक्स बनाने की कोशिश करिए कि डी वाई डी एक्स हमारा कैसे बनेगा। तो अगर हम सबको डी एक्स से डिवाइड कर दें तो डी वाई डी एक्स ये बन जाएगा, राइट साइड में ट्रांसफर करके तब करते तो भी बन जाता, ठीक, ये काम कर लिया। अब देखिए आपका होमोजीनियस इक्वेशन है कि नहीं, तो देखिए जो चीज़ रूट में है, इस क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा बुक में भी मार्क, जो चीज़ रूट में है उसमें से स्क्वायर है
तो डिग्री से वन पावर यहाँ से बाहर आएगी, और ये एक्स ऑलरेडी है तो वन एंड वन मिलके टू हो गए, ये टू हो गए, वन एंड वन मिलके टू हो गए। तो ये क्वेश्चन जैसा ध्यान से देखिएगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये बन सकता है, ठीक है ना। ओके, अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो बाकी सारी बातें वैसे ही कि y इज इक्वल टू वी एक्स सब्सिट्यूट करना है एंड dy dx इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स रखना है। तो जहाँ जहाँ पर y मिल रहा है वहाँ पर वी एक्स रख दिया गया और dy dx की जगह पे वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स रख दिया गया, और उसके बाद क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में करने की कोशिश करिएगा। बट कोई स्टेप शॉर्टकट नहीं मारिएगा, मिस्टेक थोड़ी सी भी हुई तो सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। बेहतर है कि आप एक स्टेप और सिस्टमेटिक लगा लीजिए ताकि कोई मिस्टेक नहीं हो। तो ये आपका आपका क्वेश्चन बन गया। उसके बाद हमने x एंड v को सेपरेट कर लिया। अब इसको इंटीग्रेट करने वाली बात फिर से वही होगी कि अगर इंटीग्रेशन आता हो तभी काम हो पाएगा। सो v अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी एक्स, इसमें वन प्लस वी को स्क्वायर को t सपोज कर लें तो v डी वी इज इक्वल टू डी टी अपॉन टू मिल जाएगा। आप ये मत सोचिएगा कि इसको हम कुछ रूट के फार्मूला वर्मूला सोचें, क्योंकि वन प्लस वी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक v आएगा ना, v डी वी मिलकर आपका डी टी बना देगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो रूट टी अपॉन हाफ आ जाएगा। बाकी इंटीग्रेशन जैसे भी होता है, टी की वैल्यू पुट करेंगे वी के फॉर्म में, वी की वैल्यू पुट करेंगे वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में, बस आपका क्वेश्चन हो गया। एलसीएम वलसीएम ले लीजिएगा तो वो आपको रिजल्ट फाइनल हो जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। ये एक्सरसाइज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। होमोजीनियस इक्वेशन 100% एक एग्जाम में पूछा ही जाएगा, या ऐसे कह लीजिए इस एक्सरसाइज से ही ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है, बहुत इजी से नंबर मिल जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 भी देखिए, डी एक्स डी वाई आपका अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, कम से कम 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन पे सबसे पहला काम तो टिक कर लीजिए आप लोग एज ए इंपॉर्टेंट, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम तो क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, फिर देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कई बार करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ स्टेप ऐसे हैं जो आपने और कहीं नहीं किए होंगे, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ होगा और पार्शियल फ्रैक्शन बहुत रेयर केस में ही आप इंटीग्रेशन में यूज़ किए होंगे किसी क्वेश्चन में। तो सबसे पहला काम तो ये क्वेश्चन गिवन है आपका, हमको डी वाई डी एक्स बनाना था। पहले ही बोला था कि जब तक डी वाई डी एक्स नहीं होगा आप कन्फ्यूज रहिएगा, तो बेटर ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है तो डी वाई डी एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके तब होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करिए। अगर एक्सरसाइज ए बी सी से आ रहा है तो कोई इशू नहीं था, बट जहाँ पर होमोजीनियस इक्वेशन है वहाँ पर डी वाई डी एक्स के फॉर्म में बना लेना बेटर होता है, वरना मिस्टेक चांसेस हैं, क्योंकि हमको डी वाई डी एक्स की वैल्यू रखनी होती है ना। मैंने एग्जाम में भी कुछ बच्चों की कॉपी देखा था, वो डी वाई डी एक्स की वैल्यू डायरेक्ट रख देते हैं विदाउट इस फॉर्म में कन्वर्ट किए, तो उनकी मिस्टेक हो जाती है वहाँ पे। ओके, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू ये एंड वाई की वैल्यू वी एक्स रख के, और यहाँ पे वाई की वैल्यू वी एक्स रख के आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, इस तरीके का आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक। क्योंकि एक एक्स यहाँ पर आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा इंटू एक्स, एक्स क्यूब कॉमन हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक्स क्यूब आएगा, यहाँ पर एक एक्स एक्स क्यूब बना देगा, वो कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ वी वाला फंक्शन हमारा बचता है, ठीक है। अब इस वी को हमने ट्रांसफ़र कर दिया राइट साइड, कुछ उस तरीके से एलसीएम लेकर सॉल्व किया, तो ऐसे रिजल्ट बनेगा। आपको प्रॉब्लम हो आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा इसी तरीके का। फिर हमने क्या किया, वी एंड एक्स के फंक्शन को सेपरेट कर लिया, डी वी के साथ वी वाले फंक्शन आ जाएंगे एंड डी एक्स के साथ एक्स के फंक्शन आ जाएंगे। ये इतना काम हो गया। अच्छा, अब क्या किया जाएगा इसके लिए, अब हमको ये करना है कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में सॉल्व करके इसको ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। ज़रा से यहाँ पे समझिएगा, वी पावर 4 माइनस 1 था, हमने क्या किया, वी पावर 4 माइनस 1 को इसको इंटीग्रेट कर लिया, सॉरी फैक्टराइज कर लिया। तो ये वी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर होगा, तो एक ब्रैकेट में वी माइनस 1 वी प्लस 1 वी स्क्वायर प्लस 1 होगा। इसको फैक्टराइज कर लीजिए, आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। इसका फर्स्ट एंड सेकेंड ये दो टर्म आपका लीनियर फॉर्म में है, बाकी ये स्टेप आपका थर्ड वाले ब्रैकेट का क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। तो पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर से लीनियर होगा तो सिंपली एक कॉन्स्टेंट नंबर अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट, कॉन्स्टेंट अपॉन सेकेंड ब्रैकेट आएगा। बट अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो सी वी प्लस डी अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म में लिखा जाएगा। अगर यहाँ पर x होता तो सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा जाता। मीन्स जैसे यहाँ पे होगा क्वाड्रेटिक, उसी वेरिएबल के फॉर्म में यहाँ पे हमको रखना है। तो अब इतना काम अगर कर लिया हमने पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में कर लिया है इसको, तो हमको ए बी एंड सी डी की वैल्यू चाहिए है, तभी हम यहाँ पे रखेंगे उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि ओवरऑल तो हमको इसको इंटीग्रेट करना था। लेकिन पहले इस फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करके ए बी सी डी की वैल्यू निकालेंगे, ला के रखेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। तो अब आइए देखते हैं कि ए बी सी डी की वैल्यू मिलेगी कैसे,
तब आते हैं इस क्वेश्चन पे वापस। बट जो हम सोल्यूशन दिखा रहे हैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन निकाल में ए बी सी डी की वैल्यू निकालने पर, वो भी एज ए पार्ट ऑफ सोल्यूशन है, तो उसको रफ मत समझिएगा, वो भी आप इसी सोल्यूशन में ही साइड के पेज पे या उसी कॉन्टिन्यू सोल्यूशन के फॉर्म में लिखते चले जाइएगा। ये सब चीज़ें पहले से सॉल्व कर ली थी, ये आपको फ्रैक्शन हो गया, बाकी हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया है। अब अगर एलसीएम लिया जाएगा तो डिनोमिनेटर सेम होकर कैंसिल हो जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर और इधर का डिनोमिनेटर मैंने हटा दिया है। न्यूमरेटर के फॉर्म में क्या आएगा, 3v माइनस वी क्यूब, एंड बाकी यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो ए वी प्लस वन वी स्क्वायर प्लस वन, बी वी माइनस वन वी स्क्वायर प्लस वन, एंड सी एक्स प्लस डी मल्टीप्लाइड बाई वी माइनस वन वी प्लस आएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करने का दो मेथड है, या तो हम लीनियर फॉर्म में जो भी आपका फैक्टर था उसको जीरो पुट कर दें, वहाँ से वी की वैल्यू निकाल लें, एक मेथड ये है, या इस सबको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लें और कोफिशियंट को कंपेयर करने से, यहाँ पे वी का कोफिशियंट 3 है तो राइट साइड में वी का कोफिशियंट उसके इक्वेट कर लेंगे, वी क्यूब का कोफिशियंट माइनस 1 है तो राइट साइड से वी क्यूब के कोफिशियंट को कंपेयर करके निकाल लेंगे, ऐसे ही कॉन्स्टेंट नंबर को कंपेयर कर लेंगे या वी स्क्वायर को कंपेयर कर लेंगे, तो एक मेथड तो ये है। बट हमारे पास दो लीनियर है तो हम दो लीनियर को जीरो पुट करके ए एंड बी की वैल्यू निकाल लेंगे, वो इजी हो जाएगा। उसके बाद कंपेयर तो करना ही है जो बोला है, क्योंकि यहाँ पर कंपेयर नहीं किया जाए, वो सी एक्स प्लस डी में से किसी को हम जीरो नहीं रख सकते हैं। तो आइए पहले ए और बी की वैल्यू को निकालते हैं। हमने क्या किया, वी प्लस वन को जीरो पुट किया, मीन्स वी इज इक्वल टू माइनस वन। अब इस पूरे इक्वेशन में वी इज इक्वल टू माइनस वन रख के हमने ए की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, आप यहाँ पे इस पे यहाँ पे इसमें यहाँ ये सब जगह वी की वैल्यू माइनस वन रख दीजिए, तो बी की वैल्यू मिल गई 1/2। अब क्या करेंगे, हम सेकंड लीनियर फॉर्म को लेंगे वी माइनस वन, ये भी लीनियर फॉर्म में है फैक्टर, इसको जीरो पुट करेंगे, वी माइनस वन को जीरो पुट करेंगे तो वी इज इक्वल टू वन हो जाएगा। अब वापस इसमें वी इज इक्वल टू वन 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 सब जगह वी इज इक्वल टू वन रख दिया, तो वहाँ से हमारा ए की वैल्यू मिल गई। ए और बी दो चीज़ें हमको मालूम हो गई, सी एंड डी की वैल्यू अभी भी नहीं मालूम है, इसको निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये मेथड सेकंड मेथड है, बट इस लीनियर वाले को कंपेयर जीरो के कंपेयर करके दो वैल्यू तो मिल गई ना, ये इजी हो गया हमारे लिए, वरना हमारे लिए और लेंथी क्वेश्चन बन जाता। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सारे टर्म को हम सिस्टमेटिक लिख लेंगे ताकि उनकी कोफिशियंट को कंपेयर किया जा सके। तो ये लेफ्ट पोर्शन हो गया, ये आपका राइट पोर्शन हो गया, हमने ए को ए वाले टर्म को मल्टीप्लाई किया, बी के साथ जो नंबर थे उनको मल्टीप्लाई किया, और सी वाले सी एक्स प्लस डी के साथ जो ब्रैकेट था उनको ब्रेक करके ये कर लिया। अब देखिए सब जगह वी क्यूब को कॉमन लिया, यहाँ जहाँ जहाँ पे वी क्यूब था वो आ गया, वी स्क्वायर को कॉमन लिया, जहाँ जहाँ पे वी स्क्वायर था वो सारे कोफिशियंट यहाँ पे मिल गए, कोफिशियंट ऑफ वी एंड कॉन्स्टेंट में मिल गए। तो वी क्यूब का कोफिशियंट किया राइट साइड में ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर वी क्यूब का कोफिशियंट किया माइनस वन, तो अगर इनको कंपेयर कर लें तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस वन है। ए की वैल्यू क्या मिली थी 1/2, एंड बी की वैल्यू ऐसे ऊपर मिली थी हमको 1/2, तो ए एंड बी की वैल्यू पुट करके सी की वैल्यू मिल गई। ठीक, अच्छा अब सी की वैल्यू मिल गई, यहाँ से ए माइनस बी प्लस डी, ये किसका मल्टीपल है, वी स्क्वायर का, यहाँ पे तो वी स्क्वायर है ही नहीं, यानी कि राइट साइड में जो वी स्क्वायर आ रहा है इसका कोफिशियंट और लेफ्ट में वी स्क्वायर नहीं है, मीन्स लेफ्ट में वी स्क्वायर का कोफिशियंट क्या था, जीरो। इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से फिर हम ए एंड बी की वैल्यू पुट करेंगे तो डी की वैल्यू हमको मिल जाएगी जीरो। ठीक, अब हमारे पास सारी वैल्यूज मिल गई, ए इज इक्वल टू 1/2, बी इज इक्वल टू 1/2, सी इज इक्वल टू माइनस टू, एंड डी इज इक्वल टू जीरो। ये इतना काम हमारा हो गया। अच्छा, हमने पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में जो भी पार्ट लिखा था ये, अब इसमें हम ए इज इक्वल टू 1/2, बी इज इक्वल टू 1/2, सी इज इक्वल टू माइनस टू, एंड डी इज इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे, तो हमारा सोल्यूशन अब देखिए कैसे होता है। आइए पहले वैल्यू पुट करते हैं, उसके बाद उसके आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पर हमने क्या किया, ए इज इक्वल टू 1/2, बी इज इक्वल टू 1/2, सी इज इक्वल टू माइनस टू, एंड डी जीरो है, तो ये सी इंटू वी मीन्स माइनस टू वी प्लस जीरो आएगा, तो जीरो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा हो गया पार्शियल फ्रैक्शन का लेफ्ट वाले पोर्शन की वैल्यू, ये था ना लेफ्ट पोर्शन हमारा, ये पोर्शन लेफ्ट, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट किया था, ए बी सी डी की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, और ये डी एक्स अपॉन डी एक्स लगा दिया, एक कॉन्स्टेंट सी लगा देते हैं। ठीक, अच्छा अब जरा से देखिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ना, लॉग ऑफ वी माइनस वन, लॉग ऑफ वी प्लस वन, इसमें वी स्क्वायर प्लस वन को टी सपोज करेंगे तो ये भी मिल जाएगा, और इसका लॉग एक्स हो जाएगा। तो अगर ज़्यादातर फंक्शन हमारे लॉग के फॉर्म में आ रहे हैं तो कॉन्स्टेंट को लॉग सी सपोज कर लेना बेटर है। ठीक, बेटर बोल रहा हूँ, मीन्स आप अगर सिर्फ सी लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमको ये समझ में आया
कि कैलकुलेशन हमारे लॉग के फॉर्म में जा रहा है, तो लॉग सी लिखना ही बेटर होगा सोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, ये हो गया लॉग ऑफ वी माइनस वन, लॉग ऑफ वी प्लस वन, इसको टी सपोज किया था तो ये भी लॉग बना देगा लॉग बी स्क्वायर प्लस वन लॉग एक्स लॉग सी. ठीक, अब लॉग ए डॉट बी का रूल लगा दिया जाएगा, पावर हाफ है तो ये रूट में चला जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी लॉग ए डॉट बी, और दोनों की पावर हाफ थी तो हाफ मीन्स रूट ऑफ फंक्शन. ये माइनस में था तो ये अपॉन में आ जाएगा, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी प्लस में है तो मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा. अब इसको हम कंपेयर कर सकते हैं दोनों लॉग की वैल्यूज़ को, रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस वन अपॉन वी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू सी एक्स. ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, वी स्क्वायर प्लस वन हो गया. ये डिनोमिनेटर ना जब कंपेयर करिएगा तो यहाँ पे चला जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद. अच्छा, वी की वैल्यू क्या थी, वाई अपॉन एक्स, सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर. बाकी आप एलसीएम ले लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा वी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बाकी एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक, ओवरऑल ये आंसर हो गया. ये ध्यान दीजिएगा ये पूरा रूट में है इसलिए यहाँ से सिर्फ एक्स बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर बाहर मत लाइएगा, सिर्फ एक्स बाहर आएगा. ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ज़रा सा तेज़ी से समझिएगा. और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये गिवन है, होमोजीनियस फंक्शन है और इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या हो गया, यहाँ पे हो गया वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स वी एंड साइन ऑफ, ये बाई मिस्टेक मैंने ऐसे लिख दिया, ये एंगल के फॉर्म में वाई अपॉन एक्स. ठीक है ना, तो साइन वी हो गया. अब इसको इंटीग्रेट करना तो बहुत ईजी है, आप सिंपली इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, कोसेक एक्स का लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट भी होता है, टेन एक्स लॉग एक्स का ये हो गया, ये कोसेक एक्स का ये भी होता है और टेन वी बाई टू भी होता है. आपकी बुक में जो आंसर आ रहा होगा इस फॉर्म में आ रहा होगा, बट ये भी आंसर आपका एक्सेप्ट किया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन भी देख लीजिए, ये भी इजी क्वेश्चन है, AI ट्रिपल में पूछा गया, बट ये मतलब नहीं हुआ कि AI ट्रिपल में सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन टफ पूछे जाएंगे, इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टफ भी होते हैं. बहरहाल ये आपका क्वेश्चन तो होमोजीनियस है, ये भी हमने डी वाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी एंड यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफाई कर लिया और इस तरीके से आपको रिजल्ट मिल जाएगा. ठीक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लॉगरिथम फॉर्म को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए. और ये आपका 15 का सोल्यूशन है, 15 क्वेश्चन को देख लेते हैं. ठीक, 2y e पावर इस तरीके का क्वेश्चन है, बट अब टाइम नहीं है, वीडियो कट हो जाएगा, तो बेटर है आप इसकी हेल्प से कुछ काम चला लीजिए, इन केस कोई प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे. आप इसको पॉज कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा. पर्टिकुलर सोल्यूशन पूछा था, पर्टिकुलर सोल्यूशन का मतलब हमको जो लिमिट दी जाती है उसमें वैल्यू पुट करनी, यहाँ पर हमने इंटीग्रेट करके ये रिजल्ट मिल गया. अब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 रख दिया तो c की वैल्यू मिल जाएगी, वापस c की वैल्यू यहाँ पे लाकर रख देंगे तो पर्टिकुलर सोल्यूशन हमको मिल जाएगा. क्लियर, ये इतना आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है. इन केस कोई प्रॉब्लम होगी तो आप व्हाट्सएप या कमेंट्स कर दीजिएगा, तो जो भी पॉसिबल होगा आपकी हेल्प की जाएगी. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अनदर टॉपिक. थैंक यू एवरीवन, बाय बाय.